वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पढ़ाई के अलावा आपको ऐसी कौन सी स्किल्स आने चाहिए ताकि आपका सिक्योर हो सके फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पहली स्किल पर जो आपको आनी चाहिए। सो फर्स्ट हमारे पास स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इससे रिलेटेड जो र्यूमर्स है लोगों में वो मैं पहले मिटाना चाहूँगा। वो क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई पर्सन जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका मतलब है कि वो पर्सन फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्सप्लेन द थिंग्स इन इजी वे, किसी को अपनी बात को सिंपल वर्ड में समझाना, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे वहाँ पर हम कोई सी भी लैंग्वेज का यूज़ कर ले, चाहे हिंदी हो चाहे मराठी, डैट डजेंट मैटर। तो अब आती है बात कि इनको हम कैसे सीखें। तो अगर आपको किसी का कुछ बताना है तो उसके लिए पहले आपको उससे कुछ सुनना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा आपको, बी ए गुड लिसनर, देन उसकी बात को सुनिए, उस पर थोड़ा विचार कीजिए और तब रिस्पोंड कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी बात से कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने का डर या फिर झगड़ा होने का डर भी रहता है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट स्पीक स्लोली सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड। ये बात मैंने खुद के साथ और मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस की है कि वो एक ही बात को एक बार में कहने की कोशिश करते हैं जिससे बात समझ नहीं आ पाती। तो क्या करना है आपको, आराम से बिल्कुल ध्यान से उसकी बात को समझकर उसके बाद आपको एक्शन लेना है। फोर्थ वन इज़ दैट ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन फॉर नॉट आंसर। अगर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा लंबा खींचना है तो क्या कीजिए, उस पर्सन के आंसर से ही क्वेश्चन ढूंढने की ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा तभी आप उस पर बोल पाएंगे, अदरवाइज़ कॉन्वर्सेशन सिर्फ थोड़ा टाइम तक चल पाएगी। फिफ्थ हमारे पास क्या पॉइंट है, डोंट यूज़ द वर्ड्स लाइक आहा, यू नो, आई थिंक, लाइक, तो इन वर्ड्स के यूज़ को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये वर्ड्स हमें शो करते हैं कि आपका उस पर्सन से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट स्किल। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। क्यों? क्योंकि हम सबके पास ही 24 आवर होते हैं, बट फिर भी हमारे देश में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास और कुछ लोग गरीब। सो ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस है, क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि उन्हें अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करना है। सो अगर मैं इसको कहूँ सिंपल वर्ड में तो क्या मतलब है टाइम मैनेजमेंट का, यू मस्ट हैव द काउंट ऑफ ईच सेकेंड, आपके पास हर सेकेंड का हिसाब होना चाहिए। तो अब आते हैं बात की इस स्किल को कैसे एक्वायर करें या इसको हम कैसे सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ टू डू लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एक टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय टू डू लिस्ट, जो काम आपको आज करने हैं तो उनको प्लान कीजिए। ये काम आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के 10 से 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। लिस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, वर्क को उसकी प्रायोरिटी वाइज आपको हैंडल करना है या उनको प्रायोरिटी वाइज लिस्ट करना है जो आपके लिए पहला काम है। थर्ड इज क्रिएट सम टाइम फॉर योर हॉबीज आल्सो। टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान रखिए कि उसमें आपका कुछ पार्ट हॉबीज़ का भी होना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई के बेस पे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने पढ़ाई के बेस पे ही सब कुछ अचीव कर लिया हो। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ही काम आती हैं। सो अब मैं दिखाता हूँ आपका एग्जांपल ऐसा कि जिससे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को बेटर। सो मैंने यहाँ पर लिया है किसी स्टूडेंट का टाइम टेबल किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए। सो जो हमारे पास है एक डे है संडे, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास टाइमिंग है। तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके का दिखता है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि आपको कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपसे टाइम टेबल शायद फॉलो भी ना हो पाए, बट हर चीज़ की शुरुआत फेलियर से ही होती है, क्योंकि अगर आपको कुछ नवी हैबिट डालनी है तो आपको पिछली को छोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो घबराइएगा मत, क्योंकि चेंज लाने से ही आता है, चेंज वैसे खुद नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश स्किल। सो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे देश का अनफॉर्चुनेट है क्या कि यहाँ पर इंग्लिश को एज अ स्टेटस सिंबल के तौर पे देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश इज़ जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, अपनी बात को दूसरे को कहने का सिर्फ एक तरीका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हाँ ये बात सही है कि ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर स्किल है और आपको आनी चाहिए अगर आपको अपने फ्यूचर में एक अच्छी बिजनेस करना है या एक अच्छी जॉब पानी है। सो अब आते हैं मेन चीज़ कि इसको करें कैसे। तो यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप है जिनको आप फॉलो करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। ट्राई कीजिए कि अपना जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप इंग्लिश सोचें, मीन्स क्योंकि हम पूरे दिन अपने आप से ही बातें करते हैं मोस्टली टाइम, तो क्यों ना उन बातों को हम करें इंग्लिश में अपने आप से ही। सेकेंड, यूज़ सम इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो इन योर डेली कन्वर्सेशन। जो भी आप बात करते हैं अपने दिन में उनमें थोड़ा बहुत इंग्लिश कंटेंट लाने की जरूरत करें ताकि आप इंग्लिश को सीख सकें, इससे आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ट होगी। थर्ड, प्रैक्टिस इट एवरी डे एज मच एज यू कैन। आई थिंक इसको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है पॉइंट को, बिकॉज आपको पता ही है प्रैक्टिस एक कुछ चीज़ आएगी और ये क्योंकि ये एक नवी स्किल है। फोर्थ, मेक अ हैबिट टू वॉच अ इंग्लिश कॉन्टेंट एवरी डे। डेट कुड बी अ मोटिवेशन स्पीच और अ स्टैंड अप कॉमेडी। अपने हर रोज़ का एक प्लान बनाइए, या आप कह सकते हैं इसको आप अपनी बनाइए एक हैबिट कि मुझे हर रोज़ एक इंग्लिश शो देखना ही देखना है। डेट कुड बी 20 मिनट, 50 मिनट, उसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए और आपको अपने आप को सराउंड करना है इंग्लिश कॉन्टेंट से। फिफ्थ, कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जो कि सब इंग्लिश चैनल्स ही हैं। फर्स्ट इज़ अलीना राइज, माई फेवरेट यूट्यूबर। सेकेंड इज़ लिंगवा मरीना, चैट चैट और क्यूरियस हरीश। ये सब प्रोडक्टिविटी चैनल भी है और बाकी आपको यहाँ से इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी ही। फोर्थ एंड द लास्ट वन, फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट स्किल। सो ये सबसे बड़ी स्किल है, आई थिंक आपको आनी चाहिए। तो अब देखिए इससे आप क्या सीख पाएंगे कि पैसा आपके लिए कैसा काम करेगा और आप सीख पाएंगे कि कैसे पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप बुक पढ़िए रिच डैड पुअर डैड, किसी भी लैंग्वेज में। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, दिस इज़ द बेसिक थिंग यू नीड टू लर्न। सो इन्वेस्टिंग की ताकत को समझिए, कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़िए गूगल पे, मींस हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी। सो ये आपको काफ़ी आर्टिकल दिखाएगा जिससे आपको पैसे की अच्छी नॉलेज मिलेगी। फोर्थ इज़ यू कैन ऑल्सो वॉच द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्कैम। ये सबसे आई थिंक मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ है और इससे मैंने भी देखा है काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, इससे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेंगे। यू कैन परस्यू एनी ऑनलाइन कोर्स ऑन मनी मैनेजमेंट ऑल्सो लाइक ऑन यूडेमी, कोर्सेरा एक्सेट्रा। तो आप कोई कोर्स भी कर सकते हैं परस्यू मनी मैनेजमेंट के ऊपर ताकि आप उसको समझ सकें। तो ये कुछ था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो या आप चाहते हैं कि आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहें या एडवाइस देना चाहें तो वेलकम, तो आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।